वेलकम टू परफेक्ट क्लास, आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। आज आप एक और नई वीडियो लेकर आए हैं एनसीईआरटी 8th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, उसमें भी एक इक्वेशन बनाई थी और उसे सॉल्व करता था, बहुत ईजिली तरीके से हमने सॉल्व करा। ऐसे ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें भी हम ऐसे ईजिली तरीके से इसके इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है, आप बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दें और उसको अच्छे से समझें। आपको जो भी प्रॉब्लम अगर आप हमें कमेंट कर सकते हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन ये समझना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको अगर दूसरी वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 2 का है ये, इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई से दो गुना, टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दो गुना और दो मीटर ज़्यादा है। ट्वाइस मतलब दो गुना हो गया और टू मीटर मोर देन, तो दो गुना और दो मीटर ज़्यादा है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? एक स्विमिंग पूल है, हम इसको अच्छे समझते हैं। देखो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, एक जो स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 154 मीटर का, 154 मीटर का पेरीमीटर है। इसके अकॉर्डिंग उसमें दे रखा है कि जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो चौड़ाई से दो गुना और दो ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सॉल्व करना है। तो सपोज़ हम मान लेंगे, अब इसमें किससे कंपेयर करा, लेंथ कंपेयर है ब्रेथ से, तो ब्रेथ मान सकते हैं हम पहले, लेंथ नहीं मान सकते, पहले हमें ब्रेथ मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेथ के कंपेयर में लेंथ बन रही है। अगर ब्रेथ बनेगी तो हम लेंथ बना सकते, नहीं तो डायरेक्टली हम लेंथ नहीं बता सकते। तो पहले हम ब्रेथ को मानेंगे। तो सपोज ब्रेथ इज एक्स, हमने ब्रेथ को एक्स माना है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके लेंथ बनाएंगे। अगर इसमें ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या होगी, उससे ट्वाइस है और दो ज्यादा, टू मोर है ना, टू मीटर मोर देन एंड ट्वाइस। तो इसके हिसाब से क्या होगा लेंथ, तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ बराबर एक से क्या है टू मीटर, टू ट्वाइस है पहले, तो टू का मल्टीप्लाई हो गया और प्लस टू। अब यहाँ प्लस टू इसलिए आया क्योंकि यहाँ कहा है लेंथ इज टू मीटर मोर देन, तो दो ज़्यादा है और इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दो गुना ज़्यादा, तो दो से मल्टीप्लाई हो गया प्लस दो हो गया। तो इसकी लेंथ की जो ब्रेथ है वह एक्स हो गई और लेंथ हो गई है टू एक्स प्लस टू, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लग जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, शॉर्ट में कर दिया इसको, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, है ना, आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखेंगे। हमारी जो पेरीमीटर है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है 154 मीटर, हमें ऑलरेडी दे रखा है इसने, तो 154 आ गया इक्वल, इसकी जगह ये 154 आ गया क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ गया टू ब्रेकेट एल कितना है, एल है हमारा 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 और b क्या है वो है x, तो प्लस x, हमने क्या करा 2x प्लस 2 लेंथ था उसके अकॉर्डिंग रख दिया l की जगह और प्लस और ब्रेथ, तो b क्या है, ब्रेथ में की वैल्यूज क्या निकली है x, तो x रख दिया हमने। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, तो हम क्या करें इससे बराबर के इस तरफ भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स। इसे हमने यहाँ करा है, इस 2 को बराबर के इस तरफ लिया है, तो 2 से इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट में 4 आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सेवन ज़ा 14, 15 तो आता नहीं, उससे कम 14 आता है, 1 बच गया, अभी 14 हो गया, 2 सेवन ज़ा 14, तो 2 से वैल्यूज कैंसिल हो गए, बची गया ये वैल्यूज बची। अब यहाँ भी आप देखो 2x और x इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3x प्लस 2, वैल्यूज क्या हो गई 77 इक्वल 3x प्लस 2। अब इस प्लस 2 को बराबर के इधर ले आएंगे ताकि हमारी जो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यूज है उस वो सॉल्व हो सके, तो इधर आ जाएगी प्लस में, इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो 77 माइनस 2, यहाँ प्लस में था बराबर क्रॉस करने के बाद माइनस में आ गया,
और यहाँ बचा 3x, ये वैल्यूज बची। तो 77 में से 2 माइनस कर देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 इक्वल 3x, वैल्यूज़ क्या आ गई, 75 इक्वल 3x आ गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इस 3 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यूज़ बन जाएगी 75 अपॉन में 3 बराबर x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 75 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टू जा 6, 7 हमने इसको 6 मान लिया, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसे करेक्ट फॉर्म में करते हैं, मतलब x बराबर 25 मीटर, मीटर हमने लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन में मीटर है, और x क्या है, ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 25 मीटर। लास्ट में हम एक नोट दे देंगे ब्रेथ के, क्योंकि वो x माना था हमने उसको, x बराबर 25 मीटर आ गया। अब हमें बनाना है लेंथ, तो हमने लेंथ को क्या माना था, लेंथ हमारे, लेंथ इक्वल 2x प्लस 2 माना था, 2x प्लस 2, तो इस x की जगह 25 आएगा और उनके बीच में मल्टीप्लाई भी है और प्लस 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये लेंथ। यहाँ पर रिपीट करोगे आप, लेंथ दोबारा आपको लिखना है, लेंथ 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई 25 प्लस 2, 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी आपको दोबारा ही लाइन रिपीट करना, तो ये 25 टू जो 50 प्लस 2, ये वैल्यूज आ गए, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करा 50 प्लस 2, तो ये हो जाएगा ये लेंथ हमारी आ गई है, लेंथ इक्वल 52 मीटर, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, लेंथ हमारी 52 मीटर और ब्रेथ हमारी 25 मीटर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो शो करेंगे वो इस टाइप से होगा। एक चलो इसको हटा देते हैं, लेंथ बराबर 52 मीटर और ब्रेथ इक्वल 25 मीटर, यह हमारा आंसर है। लेंथ इसकी 52 मीटर है और ब्रेथ इसकी 25 मीटर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आप इसको दोबारा देखिए समझिए, अगर फिर भी आपको नहीं आता आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि उस पर भी हम कुछ नई वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।